everyone, welcome back to my YouTube channel. This is a lecture 22 of a highway engineering and we are covering the module 3, that is the traffic engineering. Okay, so we will see what is the passenger car unit. So passenger car unit is the ratio of the capacity of a roadway when there is a passenger car only to the capacity of a roadway when there is a particular class of vehicle. इसका मतलब क्या हुआ कि जो road की capacity है जब वहाँ पर सिर्फ passenger car होंगी और इसका रेशियो किससे लेते हैं जब वहाँ पर कोई अलग या पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल होंगी तो इसका रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं पैसेंजर कार यूनिट ठीक है तो अब मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दिखाती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टेट लेवल एग्जाम्स में ये वैल्यूज़ डायरेक्टली पूछ दी जाती हैं ठीक है तो मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है ठीक है सो वी विल सी ऑल ऑफ देम वन बाई वन तो पहला क्या है हमारा कार ऑटो रिक्शा टेम्पो और एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ठीक है ये चार चीज़ों के लिए जो हमारी PCU वैल्यू है मतलब पैसेंजर कार यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी वन है ठीक है नेक्स्ट क्या है हमारा साइकिल रिक्शा ठीक है साइकिल रिक्शा के लिए पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी 1.5 है थर्ड क्या है हमारा साइकिल और बाइक और स्कूटर साइकिल बाइक और स्कूटर के लिए हमारे जो पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यू है वो है 0.5 मतलब कार से आधा ठीक है नेक्स्ट क्या है हमारा बस और ट्रक के लिए PCU की वैल्यू कितनी हमारी 3 है उसके बाद क्या है हमारा हॉर्स ड्रिवन व्हीकल मतलब कि जो हॉर्स से ड्रिवन व्हीकल होते हैं उनकी PCU वैल्यू कितनी है 4 और नेक्स्ट लास्ट क्या है हमारा बुलक कार्ट और हैंड ड्रिवन कार्ट जो बुलक कार्ट होती हैं और जो हैंड ड्रिवन कार्ट्स होती हैं उनके लिए हमारी PCU वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है दैट इज़ दी 6 तो आप इसे याद रखो कि जो कार ऑटो रिक्शा और टेम्पो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है उनके लिए PCU वैल्यू 1 है और साइकिल रिक्शा सिर्फ ऐसा होता है जिसके लिए PCU वैल्यू 1.5 होती है और जो भी टू व्हीलर व्हीकल्स है फॉर एग्जांपल साइकिल बाइक स्कूटर इन सब के लिए PCU वैल्यू कितनी है हमारी 0.5 बस और ट्रक के लिए कितनी है 3 हॉर्स ड्रिवन व्हीकल के लिए कितनी है 4 और बुलक कार्ट और हैंड ड्रिवन कार्ट के लिए इसकी वैल्यू कितनी है 6 है ठीक है तो ये आपके लिए थी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ ऑफ PCU जो कि आपके स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं ठीक है नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डैट इज़ हमारा क्या था पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक कैपेसिटीज़ के बारे में यहीं पर हमने अपना वीडियो एंड किया था तो आज हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे और कैसे देखेंगे कि इस वैल्यू को और इस फॉर्मूला को हम कैसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है सो हमारा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दी ट्रैफिक कैपेसिटी सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन क्वेश्चन इज़ इफ़ द साइड डिस्टेंस अवेलेबल टू स्टॉप ऑन द हाईवे इज़ 120 मीटर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो साइड डिस्टेंस अवेलेबल है स्टॉप करने के लिए मीन्स ये क्या है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है आपको 120 मीटर और लेंथ ऑफ अ व्हील बेस इज 6.1 मीटर लेंथ ऑफ व्हील बेस आपको दे दी गई है 6.1 मीटर मैंने आपको बताया है कि अगर आपको लेंथ ऑफ व्हील बेस नहीं दी है तो आप उसकी वैल्यू 6.1 मीटर ही लोगे एज पर दी IRC और व्हेन द स्पीड ऑफ अ व्हीकल व्हेन द स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर फाइंड दी कैपेसिटी ऑफ दैट हाईवे आपको यहाँ पर कैपेसिटी फाइंड करने के लिए बोली है और क्या क्या डेटा दिए हैं वो आपने देख लिया ठीक है तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं ठीक है आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन खुद बना सकते हो और देन आप उसका आंसर चेक कर सकते हो ठीक है तो हम पहले क्या करते हैं हमारा गिवन डेटा लिखते हैं कि क्वेश्चन ने हमें क्या क्या चीज़ गिवन है तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ गिवन है बताइए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस गिवन है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं SSD ओके सो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमको 120 मीटर गिवन है क्वेश्चन में ओके लेंथ ऑफ व्हील बेस दैट इज़ L विल बी इक्वल्स टू 6.1 मीटर और क्या दिया हुआ आपको स्पीड दी गई है V और आपको स्पीड किस में दी गई है KMPH ये यूनिट आपको याद करना और समझना दोनों ही बहुत ज़रूरी है कि कौन से फॉर्मूला में KMPH पुट होता है और कौन से फॉर्मूले में मीटर पर सेकेंड पुट होता है ठीक है अब आपको कैपेसिटी पूछा गया है तो आपको पता है कि कैपेसिटी हम किससे डिनोट कर रहे हैं C से और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1000 V/S और V यहाँ पर क्या होता है KMPH में इसीलिए जब भी मैं आपको कोई फॉर्मूला बताती हूँ और वहाँ पर स्पीड की वैल्यू रहती है तो मैं वहाँ पर आपको डायरेक्टली मेंशन कर देती हूँ कि वो स्पीड किस में है KMPH में है या मीटर पर सेकेंड में है क्योंकि अदरवाइज़ आप देखोगे तो आपको बहुत सारी जगह ये फॉर्मूला और ये सब मिल जाएगा लेकिन आपको क्या होगा वहाँ पर मेंशन नहीं रहेगा कि क्वेश्चन में कि आप जो है वहाँ पर KMPH रखना है या आपको मीटर पर सेकेंड रखना है तो अगर आपको मैं हर क्वेश्चन में बताते जाऊँगी तो आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको क्या होगा वो वैल्यू याद रहेगी कि हाँ ये KMPH में रखना है आपको कि मीटर पर सेकेंड में रखना है
ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है बेसिक कैपेसिटी का। अब यहाँ पर S क्या है हमारा, S विल बी इक्वल्स टू दी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस लेंथ ऑफ व्हील बेस। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार उसे पहले देखो, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी मैंने क्लियर किए हैं, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखो ताकि ये लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली SSD दे दी गई है, तो SSD का वैल्यू कितना है 120 मीटर, और लेंथ ऑफ व्हील बेस भी आपको दे दिया गया है, वो कितना दिया आपको 6.1 मीटर। तो अगर आप इसे कैलकुलेट इसे ऐड करो तो कितना आएगा 126.1 मीटर। सिंपली आपको कैलसी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, 120 प्लस 6.1 इज इक्वल्स टू 126.1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, और V की वैल्यू हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दी है, दैट इज़ 80, और वो KMPH में है, और फॉर्मूला भी KMPH में रखते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर पुट करूँगी तो मैं कितना आएगा 126.1। अब आप इसे सॉल्व करो और अपनी कैपेसिटी निकालो, ठीक है। आप इसे कैलसी से सॉल्व करो, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, 634 व्हीकल पर आर, ओके। कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है व्हीकल पर आर, ठीक है। तो ये थी आपकी वैल्यू। तो आप इस तरीके से क्या किया, आपने गिवन क्वेश्चन को एनालाइज़ किया, उसमें से गिवन डेटा निकाले, उसके बाद आपको अपना फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला में क्या वैल्यू किस यूनिट में है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्मूला आपको याद भी है कि हाँ आपका ये फॉर्मूला है, बट अगर आपको याद नहीं है कि यहाँ पे वी मीटर पर सेकेंड में था या फिर आपका किलोमीटर पर आर में था, तो आपका आंसर क्या होगा कि आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यूनिट्स भी याद रखनी है फॉर्मूले के साथ साथ, ठीक है। ये हमारा था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, देखिए आपको, इफ़ द वैल्यू ऑफ स्पेस हेडवे इज 10 मीटर एंड द टाइम हेडवे इज 10 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी इन KMPH एंड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बार आपको सारे हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो, या फिर आप चैनल विजिट करके भी वहाँ से प्लेलिस्ट से देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले अटेंड कर लो, ताकि आपको जो है आगे के लेक्चर्स बहुत ईजिली समझ में आए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखी थी, क्या रिलेशनशिप थी वो, स्पेस हेडवे विल बी इक्वल्स टू द टाइम हेडवे इनटू द ट्रैफिक स्पीड, ठीक है। तो अब हम अपना ये रिलेशन यहाँ लिख देते हैं कि स्पेस हेडवे इज इक्वल्स टू द टाइम हेडवे इनटू द ट्रैफिक स्पीड, ठीक है। तो स्पेस हेडवे क्या है हमारा, स्पेस हेडवे इज इक्वल्स टू टाइम हेडवे इनटू द ट्रैफिक स्पीड। स्पेस हेडवे को हम एस से डिनोट करते हैं, टाइम हेडवे को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इस ट्रैफिक स्पीड को हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, स्पेस हेडवे की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, ठीक, और टाइम हेडवे की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 सेकेंड, ठीक है, और आपको स्पीड फाइंड करने बोला है। तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आप इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो 10/10 दैट विल बी इक्वल्स टू 1, और यहाँ मीटर है और ये सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको एक वैल्यू मीटर पर सेकेंड में अगर पूछा हो तो भी आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर आपको KMPH में भी पूछा हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पर किसी भी चीज़ को, आपको मैंने बताया है कि 1 KMPH विल बी इक्वल्स टू 0.278 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपको किसी भी KMPH वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें 0.278 का मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर आपको किसी मीटर पर सेकेंड वैल्यू को KMPH में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3.6 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 3.6 KMPH, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल था, जस्ट आपको ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये रिलेशन ही नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बाकी एक इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आप इसको एकदम सिंपली बिना कैलसी के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई हैव डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द रिलेशन बिटवीन द ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी एंड द स्पीड, ओके। सो वी विल सी द न्यूमेरिकल ऑफ इट एंड द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इट। So this is all about today's lecture. Hope you have enjoyed it. If you like these videos, then like and subscribe to my channel. Thank you.